हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नितेश टेक जीकेबी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं किस तरीके से अपना पेटीएम अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके, बहुत भाइयों ने कमेंट में किया कि मुझे पेटीएम अकाउंट खोलने नहीं आता था, मैंने सोचा कि बहुत ही आसान रहेगा, चलो मैं बता देता हूँ। तो चलिए गाइस, मैं शुरू करता हूँ किस तरीके से आप अपना पेटीएम अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा पेटीएम का। तो कैसे डाउनलोड करें, सबसे पहले जाना होगा आपको प्ले स्टोर में ऊपर में टाइप करना होगा PATA PAY TM। पेटीएम को लिखने के बाद यहाँ पे सर्च कर देना है। उसके बाद फर्स्ट वाला जो आएगा पेटीएम भीम UPI, ये जो पेटीएम का ऑफिशियल ऐप, इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। इसका अभी 100 मिलियन प्लस का डाउनलोड है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जहाँ भी आपकी एप्लीकेशन आया हो स्क्रीन पे, उसको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ऐसे इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको 3 डॉट का कॉर्नर मिलेगा यहाँ पे ऊपर में, 3 कोने का, यहाँ पे 3 लाइन उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा होगा लॉगिन और क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो आपको एक न्यू अकाउंट बनाना, तो क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा जिस पे आप पेटीएम अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो सिंपली मैं कोई भी एक मोबाइल नंबर अपना डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको पॉलिसी सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका इस तरह से खुलेगा, आपका एक उस नंबर पे OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आपसे OTP पूछा जाएगा। OTP आप सिंपली गाइस यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ किस तरह से OTP। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा OTP आ चुका है। OTP आने के बाद आपको सिंपली OTP डाल देना है। उसके बाद उसी मोबाइल पे OTP जो आपका मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, उसके बाद आपको सिंपली OTP डालने के बाद यहाँ प्रोसीड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे OTP ले चुका। उसके बाद सिंपली आपको जो है, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पे पेटीएम की तरफ से फ्री में 5 रुपये दिया जा रहा है। तो उसको कैसे लेना है, सिंपली आपको जाना है गाइज पासबुक पे। पासबुक के जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है अपना, तो दोस्तों इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा अगर आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट और मिनी KYC के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर का कोई भी कार्ड हो तो उसका नंबर यहाँ पे डाल के कर सकते हैं। मेरे पास एक सिंपली वोटर ID कार्ड है, तो उसमें मैं नंबर डाल के यहाँ पे जो है कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद, उसके बाद यहाँ पे फुल कोई भी एक नाम डाल लेना जो डालना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ट्रिक लगा के इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मिनी KYC आपके यहाँ दिख रहा है, कंप्लीट और फुल KYC, ठीक है। यहाँ मिनी KYC तो मैंने कर दिया, लेकिन फुल KYC करने के लिए बोल रहा है। वो कहाँ होगा, आपके नज़दीकी में कहीं जो KYC होता है पेटीएम को, वहाँ पर जाके आप फिंगरप्रिंट के द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। करने के बाद उसके बाद सिंपली यहाँ पे लिख रहा है कैन पे मर्चेंट, ठीक है, कैन पे ऑनलाइन एंड ऐप वेबसाइट। उसको कैन नॉट सेंड मनी, यहाँ पे लिख रहा है कि आप जो है जो हरा टिक है उतना आप काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैन नॉट सेंड मनी यानी फ्रेंड को अपने बैंक में जो है पैसा नहीं डाल सकते हैं और भी मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आप 1 लाख से ज़्यादा बैलेंस आप अकाउंट में नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आपका सेविंग अकाउंट भी नहीं खुला है। ये चीज़ की तभी खुलेगा जो कट वाला है, जो आपका फुल KYC हो जाएगा, ठीक है, फिंगरप्रिंट के द्वारा। तो चलते हैं, अभी यहाँ पे तो हो चुका है। उसके बाद 5 रुपये कैसे लेना है मैं बता देता हूँ। पासबुक आपको ऐड मनी पे जाना है, ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको दोस्त यहाँ पे जो है 5 रुपये लिख देना, सिर्फ 5 रुपये, ठीक है। 5 लिखने के बाद यहाँ है प्रोमो कोड पर जाना। उसके बाद यहाँ पर लिखना है न्यू फाइव डालने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू 5 अप्लाइड हो गया। उसके बाद ऐड प्रोसीड टू ऐड मनी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे दिखेगा, अभी ये देखिए यहाँ पे आपका जो है ये सिंपली 5 रुपये ऐड हो चुका है। उसके बाद ये आपको दिखने के लिए सिंपली जो है पासबुक पे जाना होगा। पासबुक पे यहाँ पे देखिए यहाँ 5 रुपये आ चुका है। सिंपली जब आप दूसरे पेटीएम अकाउंट है तो वहाँ पे सिंपली ट्रांसफर कर सकते। किस तरीके से करते हैं मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको पे जाना है, ठीक है। पे जाने के बाद आपका जो भी पेटीएम नंबर हो, ठीक है, वहाँ पर डाल सकते हैं। डाल के उस नंबर पे 5 रुपये ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इस नंबर पे 5 रुपये सेंड कर दिए। इसी तरीके से आपको खोलना है, 5 रुपये फ्री फॉर अकाउंट पे मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके आप कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट बताइए, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को ऑन कर दीजिए।